श्री राधे कृष्ण, सभी को राधे राधे। मैं हूँ होम मेकर जया श्रीवास्तव। मैं डेली ब्लॉग्स अपना अपने होम का शेयर करती हूँ। पहले तो हमें जाना है 25 किलोमीटर दूर अपनी मैया जी का दर्शन करने। इन्होंने कहा पहले फोर व्हीलर से कहते हैं चलते हैं, लेकिन हमारे सारे बच्चे स्कूल चले गए हैं और हम मैं और ये थे, तो मैंने कहा मैं काफ़ी टाइम से आपके साथ बुलेट पे लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गई हूँ, तो मैं बुलेट से इनसे प्रेशर दिया तो इन्होंने बुलेट से ही मुझे यहाँ लाया। रास्ते में इतने मजे किए मैं क्या ही बताऊँ। ये है मेरी बासमती मैया, इनके प्रांगण में थोड़ी देर हम और ये बैठे। यहाँ पे इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे किसी भी बहुत जागृत मंदिर में आंगन में बैठो तो फिर इतना अच्छा लगता है कि वहाँ की पॉजिटिविटी अपने अंदर आ जाती है जैसे। और फिर यहाँ ये मैया जी है ना, इनकी स्थापना हम लोगों ने करवाई थी। यहाँ के छोटे बड़े सभी मंदिरों पे मैंने दर्शन किया। मैं एक्चुअली मैंने बताया नहीं कि मैं इस समय क्यों आई हूँ। नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि से पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है। इस मंदिर में हमें पेंटिंग वगैरह में कुछ सहयोग करना था, तो इसके लिए हम और ये दोनों लोगों ने अपना नाइट में बात किया। फिर मॉर्निंग में हम लोगों ने सोचा कि बच्चों के स्कूल के टाइम पे चलते हैं और जब तक बच्चों की हॉलीडे होगी तब तक रिटर्निंग हो जाएगी। ये मैया रानी मेरे उस टाइम पे उन्होंने मेरा साथ दिया था जिस टाइम पे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी काले बादल छाए हुए थे और लगता था चारों तरफ अंधेरा है। और उस समय इस मैया जी ने हाथ पकड़ के मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला हुआ था। इनके जितना मैं प्रशंसा करी ना उतना कमी है। रास्ते में इतने गेहूं के खेत वगैरह की मैंने खूब मजा लिया। इन्होंने कहा ध्यान से कह कि न जा, बच्चों को रास्ते लेते हुए मैं घर आ गई। जय जय श्री राधे कृष्ण।